हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम देखेंगे डीएनएफ ब्लॉक का। आपको इससे पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग के पूरे नोट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, पूरे चार टाइप में ऐसे किया, और उसमें नोट्स भी मैंने मतलब एज ए चालू लेक्चर में बनाए थे, तो थोड़े गंदे बने थे। मतलब ये भी गंदे ही बने, मतलब हैंडराइटिंग थोड़ी उसमें बहुत गंदी दिख रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक करके मैंने बनाए हैं, इसलिए मैंने इसका जो है नोट्स का पार्ट अलग रखा है और क्वेश्चन का पार्ट अलग रखा है, तो ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर। तो अभी हम डीएनएफ ब्लॉक को, अभी हम इसके जो है इसका जो है पूरा ये करेंगे, क्या कहते हैं इसको, नोट्स की प्रैक्टिस करेंगे। डीएनएफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के पूरे 10 पेज मेरे नोट्स है, और एफ ब्लॉक के मेरे भी कुछ 4 से 5 पेजेस नोट्स है, ठीक है। तो ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे, देख लो आप, एक एक बॉक्स में तो 100 वर्ड्स भी नहीं बैठे होंगे, इसमें 50 भी नहीं बैठे होंगे, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम डीएनएफ ब्लॉक को, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा जितना नोट्स में बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पूरा इसके अंदर मैंने डाल रखी है। इसका जो है कॉमन हमें डीए किस तरीके से सबशीलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पे कौन सा NS 0.0.1 से जीरो से टू तक, और N-1D 1 से लेकर 10 तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे आपको, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा आज दिक्कत आएगा आपको, क्योंकि ये नोट्स मैंने बना रखे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन। अगर मैं बात करूँ आपका क्रोमियम का जो है, सीआर का जो एक्सेप्शन है, इसके अंदर S1 में जाते चले जाता है, S1 रहता है इसमें, S2 नहीं होता, इसका एक ऑर्बिटल D में चले जाता है, जहाँ पे इसका 4S2 3D4 होना चाहिए था, यहाँ पे 4S1 3D5 देखने को मिलता है। सीयू के अंदर भी आपको 4S1 3D10 हो जाता है आपके, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था 4S2 3D9 होना चाहिए था, पर ये 4S1 3D10 हो जाता है, तो ये भी एक्सेप्शन है। ये वाला तो पूरा याद रखो, इसमें 0 हो जाता है S को, तो ये चीज पूरा याद रखना रखने लायक क्वेश्चन है ये। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पे याद रखने हैं, तो ये वाला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करता है सीयू, जेडन, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, इनके अंदर जो D10 में कॉन्फिग्रेशन, पूरे इनके फुल कॉन्फिग्रेशन है इसके अंदर, इसलिए हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनका डी पूरा भरा चुका है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके अनफिल हो जाते हैं, ताकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जेडियम, कैडमियम और मर्क्यूरी जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पर जो हमारा इसके ग्रुप में, अगर मैं इसकी बात करूँ सिल्वर, एजी के अगर मैं बात करूँ, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके अंदर पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलता है, कैसा, पार्शियली फ्री फिल डी देखने को मिलता है, विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसको भी याद रख लेना। साइज की अगर मैं बात करूँ, थर्ड ग्रुप में आप देख सकते हो स्कैंडियम वाई और लेंथेनियम के, आपको इसके अंदर साइज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी डाउन द ग्रुप, पर आपको 14 से लेकर 12 तक आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 4D और 5D इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और 3D सीरीज की अगर मैं बात करूँ, FeCO और निकल की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, जिनके साइज जो है सिमिलर हो जाते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखने लायक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद आई की अगर मैं बात करता हूँ, आई की आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो जो आपका थर्ड ग्रुप है उसमें सब मिनिमम होंगे, और लास्ट ग्रुप जो होगा हमारा वो सब मैक्सिमम होगा आई के मुकाबले। पर एक्सेप्शन अगर थर्ड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो आई में स्कैंडियम वाई एन सी एस एस सी वाई और सी ए का आपको आई देखने को मिलेगा इस तरीके से। और 5D सीरीज एलिमेंट में इस मैक्सिमम ड्यू टू द किसके वजह से मैक्सिमम है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैक्सिमम आ जाएगा, ये एल सी है, ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको इनके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलेगा। उसके फाइनल ऑर्डर ऑफ द 3D सीरीज, जो फाइनल ऑर्डर ऑफ द 3D सीरीज की अगर मैं बता दूं, तो स्कैंडियम, वेरियम, क्रोमियम, टीनियम, मैग्नीस, निकल, सीयू, कॉपर, कोबाल्ट, FeNZA। तो मेरे तो थोड़े नाम याद नहीं भाई, तो इसको फाइनल ऑर्डर ऑफ द 3D सीरीज की यहाँ पे बात कर ले, या इतना पूछना नहीं है, पर आपको अगर याद रह जाएगी तो ये, पर इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती है Al2 ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, Al1 में क्या हो जाता है, मैग्नीशियम बड़ा हो जाता है Al1 में क्रोमियम से, पर Al2 में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। और वैसे ही Al2 की अगर Cu और Zn की अगर मैं बात करूँ, तो Al1 में ये जो Zn है मेरा, ये Zn जो है मेरा एकदम ही बड़ा रहता है सीयू से, ये बात कर रहा था मैं, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे Mn की भी Al1 बड़ी होती है, तो ये चीज़ भी याद रख लेना, Mn की भी Al1 बड़ी होती है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, तो ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि ये आई टू और आई टू मैंने क्यों लिखवा देखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट की, बात करते हैं जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ईयर में आपको उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जितना ही अनपेयर है। तो क्रोमियम प्लस टू में फोर जो है मेरा, तो इसके अंदर फोर इलेक्ट्रॉन जो है मेरे अनपेयर है, तो फोर पॉइंट समथिंग आपको मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। सी आर थ्री प्लस में भी थ्री पॉइंट समथिंग आपको मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके अंदर कंपोजिशन याद रखना है, ब्रास के अंदर कॉपर सी यू कितना होता है 60% है और जेड एन मेरा कितना होता है 40%। तो प्लीज याद रख लेना, ब्रास के अंदर कंपोजिशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका जर्मन सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो Cu1 होता है, Zn1 होता है और इसके अंदर सिल्वर Ag प्रेजेंट नहीं होता, ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। और निकल मेरे कितने होते हैं, दो होते हैं, तो इनको ये याद रखना है, Cu, Zn और निकल, Cu और Zn कितने प्रेजेंट होते हैं और निकल कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है। ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं Cu और Sn इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज की, हमारी यहाँ पे बात करेंगे तो N2 और H2 जो है NH3 में Fe ऑक्साइड की यहाँ पे बात करते हैं, SO2 और जो हाफ O2 है वो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल मेरा वेजिटेबल घी, डालडा पता होगा आपको, जो डालडा लोग यूज करते हैं वो इसी से बनता है। और ये मेरा जो है ये जो मेरा इथाइलिन है ये मेरा CH3CHO ग्रुप में चले जाता है, तो ये जिनसे भी कन्वर्ट होते हैं तो ये ग्रुप को प्लीज याद रख लेना, ये मेरे कैटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि Fe ऑक्साइड, V2O2, निकल और H2 आएगा, PdCl2, ये मेरे कैसे होते हैं कैटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक और नोट कर लेना, Cu2+ ये मोस्ट स्टेबल कहाँ पे होता है, एक्वस मीडियम के अंदर मोस्ट स्टेबल होता है। और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 में 2 से लेकर 7 तक हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर चेंज होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो Zn, कैडमियम और मर्क्यूरी की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथनम, तो SCYLA जो है मेरा इसके अंदर ये भी आ जाते हैं मेरे कैसे इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Cu, AU और Ag, इन तीनों को ही क्यों लिखा है भाई, ये इन तीनों एक्सेप्शन है मेल्टिंग पॉइंट के, बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट का जो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट का किस तरीके से आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं अच्छे तरीके से हम उसके अंदर देखेंगे। इसके अगर मैं बात करूँ Zn, कैडमियम और मर्क्यूरी की इंक्रीजिंग होता है, स्कैंडियम, वैलियम और इथियम, मतलब SCYLA आ जाएगा, CuAuHg आपका इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज आएगा। EN के अंदर एक्सेप्शन देखने को Zn, कैडमियम और मर्क्यूरी, EN का एक्सेप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक्सेप्शन है, तो ये भी अगर आपको याद रह जाएगा तो याद रखना, इसमें बस याद करने लायक चीज है। अभी इसके बात करते हैं K2CR2O7 की, यहाँ पे बात करते हैं ये LO में ये चीज प्रेजेंट है जब इसको ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है CrO4 2-, तो CrO7 2- ऑरेंज में कर रहे हैं स्टेबल इन एक्वेटिक्स मीडियम में, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, पर इसके अंदर पीएच चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जब इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे पीएच जो है मेरा 7 से कम हो जाएगा, और जब यहाँ से इस तरफ जाएगा तो मेरा पीएच 7 से बढ़ जाएगा ताकि बेसिक मीडियम बना सके। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो N2Cr2O7 और K2Cr2O7 की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे, तो ये चीज पता होनी चाहिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड बिल्कुल भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और आपको यही पूछेंगे किसके अंदर प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है, कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड है और कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेरा Na2CR2O7 जो है मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, और K2CR2O7 जो है मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, नोट्स के थ्रू आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं KMnO4 की, यहाँ पे बात करते हैं KMnO4 की अगर बात करूँ, MnO4 2- जो है मेरा बेसिक मीडियम में डार्क ग्रीन होता है, और MnO4- और MnO2+4 जो है एसिडिक मीडियम में वॉयलेट और ग्रीन देखने को मिलेगा, डायमैग्नेटिक और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक आपको देखने को मिलेगा। बट इसके अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वीक पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इनके कलर याद रख लेना प्लीज, कलर प्लीज याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कौन सा है वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 की बेस्ट बात, तो इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग ये जो एजेंट की अगर मैं बात करूं तो MnO4- जो है मेरा मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cr2O7, और पूरी जो सीरीज मेरे इसके अंदर दे रखी है एनसीईआरटी में, तो MnO4 ग्रेटर है Cl2 से, और Cl2 से Cr2O7 2- से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 की बड़ी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता है। Cr2O7 2- की बात करूँ उससे भी
वो किससे बड़ा होता है, वो VO2 प्लस से हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये मैंने सीरीज बता दी यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में Cl का माइनस का Cl2 में चले जाते हैं, ऐसे सारे हाइड्रोजन की यहाँ पे आप कर लेना, Mn2 प्लस में भी जब हो जाएगा। बेसिक मीडियम में ये चीज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यही क्वेश्चन बनता है भाई, यही से क्वेश्चन बनता है, आई माइनस से IO3 माइनस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज इसको याद रख लेना, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद Cr2O7 2 माइनस की अगर बात करूँ, आई माइनस से I2 में चले जाता है, Cl माइनस Cl में क्यों नहीं चले जाता, तो आप भी देखा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो Cl2 इज मोर मोर ऑक्सीडाइज एजेंट एंड Cr2O7, अब भी हमने ऊपर देखा, तो इस तरीके से नहीं कर पाता है। उसके बाद Cr2O7 की अगर मैं बात करूं, अगर जब आपका CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे नो रिएक्शन दिखाएगा, जब वो SO2 के साथ करेगा तो ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, KH के साथ अगर करेगा तो येलो Cr4 2 माइनस के अंदर देखने को, ग्रीन के अंदर Cr3 प्लस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की, यहाँ पे बात कर रहा है तो Mn कैन बी स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी, En लाइक FnO के साथ हमारा स्टेबल होता है, तो ये चीज हमारी NCERT लाइन टू लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और Mn इज अ मोस्ट स्टेबल विद द ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द F ड्यू टू द मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ O, तो यहाँ पे जो है O की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। और F और O की भी अगर बात करें तो F में भी Mn O के साथ ज्यादा स्टेबल होता है F के कंपेरिजन में, क्योंकि इधर O के अंदर मल्टीपल कैपेबिलिटी फॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटी हो जाती है O की, ठीक है, ये चीज बात करेंगे। और उसके बाद Cr+6 MO+6 और W+6 अगर के बात करूँ, ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूँ, तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इनकी सबकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये चीज आपको याद रखनी, ये मैंने बता दी। तो ये जो है मेरा जो हायर लेस स्टेबल होता है इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गेट रिड्यूस इजिली, इसलिए ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम वीक होती है, लेस स्टेबल होता है तो ये इजिली रिड्यूस होते हैं। ये जो है मोर स्टेबल हो जाते हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आपको जो डी ब्लॉक का है इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है, अभी हम हमारा एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एफ ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करेंगे हम एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, तो एफ ब्लॉक को अच्छे तरीके से हमें करना है। एफ ब्लॉक की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देख लो, हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है N-2F0 जीरो से 14 तक N-1D0 1 2 भी आ सकता है। तो मेरा जो आपको जो है जो D2 आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, ओनली थेलियम के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D2 आपको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ थेलियम के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और उसके बाद गैलीडियम का भी ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैलीडियम का ही हमेशा इधर क्या पूछते रहता है इसके मार्क्स यहाँ पे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूछता है, तो 4F7 5D1 होता है इसके अंदर और 6S2 होता है। तो Cu क्या गैलीडियम और लिथियम जो अगर हमारी बात कर लूंगा, Ce Gd और Lu की अगर मैं बात करूंगा, तो इनके अंदर कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D1 देखने को मिलता है। और एक्टिनाइड में थेलियम का हमने बात कर ली, D2 देखने को मिलेगा। PuUNPCMLr की है D1 के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये अगर चीज आपको याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट एक्टिनॉइड में अगर पी के जिसके अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर, ठीक कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ IE1 और IE2 की अगर मैं बात करूँ, तो वैल्यू आर सिमिलर, IE1 और IE2 की अगर मैं बात करूँ, IE1 और IE2 की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर IE1 और IE2 की वैल्यू इतनी आ गई जो कि सिमिलर है कैल्शियम के साथ, तो ये चीज पता होनी चाहिए। और IE3 ऑफ लिथियम गैलियम लुथियम इज एबनॉर्मली लो हो जाती है, एबनॉर्मली IE3 जो है LaGd और LuCl की एबनॉर्मली लो हो जाती है, तो ये चीज आपको प्लीज याद रखनी है। इनके अंदर जो भी चीजें लिख रखी है सारा आपको याद रखना है। लैंथेनाइड की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4F, इसके 5F में इलेक्ट्रॉन फील्ड, इनके जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा, इनका जेड इफेक्टिव बोर होता है तो इनके अंदर मोर कॉन्ट्रेक्शन होगा लैंथेनाइड के कंपेरिजन में, इनके अंदर लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है लैंथेनाइड में। और बात करते हैं हम लैंथेनाइड की, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते लैंथेनाइड। एक्टिनाइड जो है मेरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +7, 0.5 नहीं है, 0 OS है ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो +7 करते हैं शो बाय NP और PU से जो है +7 की है, NP और PU मेरा +7 ऑक्सीडेशन शो करता है एक्टिनाइड में। साइज की अगर मैं बात करूँ, एक्टिनाइड बड़े होते हैं लैंथेनाइड से, ये इनका कम होता है, मोर बेसिक OH के अंदर लैंथेनाइड, इनके अंदर मोर OH माइनस देखने को मिलते हैं लैंथेनाइड से, और ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन द लैंथेनाइड, तो इनके IE भी कम हो जाती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट की यहाँ पे बात करूँ लैंथेनाइड बेसिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इनके अंदर साइज कम हो जाती है, EN बढ़ जाता है, और एसिडिक A और B की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरा
इधर ग्रुप के ऊपर जा रहा है ये पूरा अलोंग द पीरियड के अंदर साइज घटेगी, ईएन बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। लैंटेनाइट बेसिक कैरेक्टर की यहाँ पे बात करें, एम मेटल आयन जो लैंटेनाइट आर कलर कलर होते हैं जो M3+ में जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे ही कलर होते हैं, बस Lu+, Lu3+ और Lu Na3+ जो है मेरे कलरलेस होते हैं। तो ये प्लीज याद रखना, Lu3+ और Na3+ मेरे कलरलेस होते हैं। Lu3+ Cl +4, Yb+4 और Lu3+ जो है मेरे डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ये भी प्लीज याद रख लेना, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। Lu3+ Cl+4 Yb+2 Lu3+ जो कि मेरे डायमैग्नेटिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं Cl+4, Cl+4 से +3 में चला, वैसे तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्टेबल हो जाता है, पर ये इसके अंदर भी चले जाता है। क्यों चले जाता है? इसकी ई नॉट तो पॉजिटिव हो जाती है, ई नॉट इसकी नेगेटिव होनी चाहिए पर ये पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कैसा हमारे काम में, एनालिटिकल रिएजेंट में काम करते हैं हम, एक्वेसिक एक्वेस एक्वियस मीडियम के अंदर आपको काम में आ जाता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आया होगा, चैप्टर वैसे भी बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता है, मतलब कोई भी इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता एनसीईआरटी की, तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना मैंने निकाल लिया है। आप एक और बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और जो बचा हुआ पार्ट है आप उसको एक बार देख लेना, मतलब मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको देखा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।